आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। इस वक्त बेलगावी यानी कर्नाटका में कर्नाटका राज्य उत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में माइनॉरिटीज वालों ने अपनी माइनॉरिटीज हॉस्टल की दो बिल्डिंगों की ओपनिंग सेरेमनी की है। इस ओपनिंग सेरेमनी में कर्नाटका के मशहूर लीडर और बेलगावी इस्तवारी मिनिस्टर और PWD मिनिस्टर सतीश जारकेवाली यहाँ पर पहुंचे। रिबन काट कर उन्होंने इसकी इफ्तिता ओपनिंग सेरेमनी की है। उनके साथ बेलगावी नॉर्थ के मशहूर MLA जनाब राजू सेठ साहब भी रिबन काट कर इस बिल्डिंग की इफ्तिता और ओपनिंग सेरेमनी की और अपने ख्यालात का इजहार किया कि इस वक्त जो बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनको हॉस्टल की ज़रूरत है, इस वक्त की गवर्नमेंट पूरी तरह इन्हें दे चुकी है। और सतीश जारकेवाली और ने काफ़ी और भी आगे इन बच्चों के लिए, ऐसे बिल्डिंगों के लिए मदद करने की कोशिश की है। और सतीश जारकेवाली ने ये वादा दोहराया कि हम ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी काम करेंगे जो उनके एजुकेशन के लिए हर तरह की मदद हो सके। ऐसे में राजू सेठ साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन तमाम चीज़ों को दोहराया कि माइनॉरिटीज़ के बच्चों को हर तरह की सरकार मदद करने के लिए जा रही है। ऐसे वक्त में जो इसके माइनॉरिटीज़ के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मिर्जन्नावर रशीद मिर्जन्नावर पहुँचे और कई कारपोरेटर थे और भी करडी MLA साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे और बड़ी धूमधाम से इस तरह की इफ्तिता की गई और काफ़ी लोग खुश नज़र आए और काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर जमा थे। इन्होंने सतीश जारकेवाली और राजू सेठ के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई है। और उसके बाद प्राइम न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए सतीश जारकेवाली ने अपने ख्यालात का इजहार किया और जनाब राजू सेठ साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। और सतीश जारकेवाली ने तमाम बिल्डिंग का दौरा किया, रूम्स की छानबीन की, किचन को देखा और यहाँ तक कि टॉयलेट, बाथरूम किस अंदाज में, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और बड़ी खुशी का, इत्मीनान का इजहार किया है। आइए देखते हैं। जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के बुलेटिन में आज यहाँ पर बेलगावी में है। बेलगावी में एक ऐसे उद्घाटन हुआ जा रहा है जो माइनॉरिटीज़ का एक हॉस्टल है और यहाँ पे हमारे कर्नाटका के मशहूर लीडर जनाब सतीश जारकेवाली भी हैं और यहाँ के MLA राजू सेठ साहब भी मौजूद हैं। इस वक्त जो ओपनिंग हो चुकी है माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम हुआ है, आज 1 नवंबर है, कर्नाटका का उत्सव दिन है, ऐसे मौके पर आपने ओपनिंग की, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत पहले होना चाहिए था, लेट हो गया है, फिर भी हो गया है, चाहिए मनाया है और अभी इसे बहुत चाहिए। ऐसे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में और हॉस्टल की ज़रूरत है और राजू सेठ साहब और माइनॉरिटी इलाके से तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आज 1 नवंबर है, पूरा कर्नाटक उत्सव मना रहा है, जश्न मना रहा है, इस मुबारक मौके पर आप लोगों को मैसेज क्या देंगे? कर्नाटक नाम से उदय हुआ है, सभी लोग आज जश्न मना रहे हैं, सो सब लोगों के लिए खुशी की दिन है, खुशी की बात है। आज के लिए बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, हॉस्टल कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, तो दे रहे हैं। नॉर्थ के मशहूर MLA जनाब राजू सेठ साहब भी मौजूद हैं। आज 1 नवंबर है और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हॉस्टल की ओपनिंग भी हो चुकी है। मिर्जन्नावर सर भी है। सर, ये जो गरीब बच्चों के लिए या ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को और कर्नाटक को मैसेज क्या है? बच्चे बच्चे होते हैं, गरीब या ज़रूरतमंद ही होते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट जितना भी करती है वो कम है। हमारे जिला सचिव सतीश जारकेवाली साहब और हम मिल के, चाहे वो माइनॉरिटी हॉस्टल्स हो, BCM के हॉस्टल्स हो या कोई भी हॉस्टल हो, कोई भी बच्चे को पढ़ने के लिए जगह चाहिए, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो करके दे। आज राज्योत्सव के दिन हमने 2 हॉस्टल की बिल्डिंग यहाँ पे ओपनिंग की है, जहाँ पे 250 बच्चे पढ़ सकेंगे और भी 2 हॉस्टल सेंक्शन हुए। तो जितना भी होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो खरियों से आते हैं बच्चे, उनके पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए उनको हम जो भी सहूलतें देंगे, दे सकेंगे और जरूर देंगे सरकार की तरफ से। और हमारी सरकार एजुकेशन में बहुत खर्चा कर रही है, स्पेशली अगर आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 1 से 6 के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, 6 से 10 के बच्चों के लिए अलग स्कॉलरशिप है, PUC के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है, इंजीनियरिंग और मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप है, नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप है,
इंजीनियरिंग के लिए है, और जो बच्चे बाहर जाने चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांट और स्कॉलरशिप। कर्नाटक राज्योत्सव शुभाशय अल्पसंख्यात जिला जिला पंचायत बेळगावी अल्पसंख्यात कल्याण इलाके बेळगावी आगमित मान्य नम एम पी साहेब अंत विमान कराटे सर तुम्हारे स्वागत खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।